ये गाइस नोवीना सेंटर है। हेलो गाइस, हेलो। आज का मेरा ये पहला दिन है सिंगापुर में और मैं अपना फर्स्ट व्लॉग जो सिंगापुर का है वो शूट करने जा रहा हूँ। सो अभी मैं होटल रूम में बैठा हूँ अपने। अब यहाँ से निकल के मैं जाऊँगा मर्लियन पार्क, जो आपने वो देखा है, जो वो शेर सा है जिसके मुंह से पानी निकलता है, हम उधर जाएंगे मर्लियन पार्क। देन मर्लियन पार्क जाके मैं आपको पूरे रास्ते का व्लॉग भी दिखाऊँगा और आपको मर्लियन पार्क के आसपास का भी व्लॉग दिखाऊँगा। सो अभी मैं उधर निकल रहा हूँ उधर जाने के लिए। सो मैं अभी होटल रूम लीव कर रहा हूँ। सो मिलते हैं हम इस व्लॉग में। रूम लॉक कर दिया है हमने, अब हम जाएंगे नीचे, फिर वहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो। ये हमारा होटल का कॉरिडोर है, अब हम यहाँ से जाएंगे लिफ्ट में। ये रही लिफ्ट। सो वो रहा गाइस, पीछे हमारा होटल है और अब क्लीन देखो यार कितना है सिंगापुर, क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन है, माइंड ब्लोइंग है यार, माइंड ब्लोइंग सिंगापुर। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, मेट्रो से देन हमें शायद 10 या 15 मिनट लगेंगे जाने में। सेफेस्ट कंट्री है गाइस, ये सेफेस्ट कंट्री लड़कियों के लिए, किसी मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, इट्स अ सेफेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। देखो आप ये सारी बिल्डिंग्स हैं, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। टू मच क्लीन। हमें वैसे ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिक�ज हमने ये इनका MRT का पास बनवा लिया था। ये ऑलमोस्ट आपको $38 में पड़ेगा अगर आप बनवाना चाह रहे हो, 3 डेज के लिए वैलिड है ये। जैसे अगर आपने आज बनवाया 26 को तो ये 29 तक वैलिड रहेगा ये कार्ड। ये आप अगर एयरपोर्ट पे उतरते हो तो वहाँ से भी बनवा सकते हो या बाहर कहीं से पता कर सकते हो। वैसे एयरपोर्ट से आपको बेनिफिट देगा ये कार्ड क्योंकि आप अंदर से ही बनवा के बाहर आ जाओ। ये आपको मेट्रो में भी वैलिड रहेगा और अगर आपने बस में जाना तो आपको बस में भी वैलिड रहेगा ये। ये गाइस नोवीना सेंटर है, यहाँ का मेडिकल सेंटर, और इसी के अंदर नोवीना का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी है। भूख लगी थी तो क्या करते हैं, हम आ गए जॉली बी, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ से हमने ये ऑर्डर किया है, फ्राइज, बर्गर्स और कोक। यहाँ कोक अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी रिफ़िल कर सकते हो, बट यहाँ पे जूसेस भी हैं वो आप रिफ़िल नहीं कर सकते हो। सो ये आप जितना मर्जी रिफ़िल करो, बाकी आप जूस वगैरह रिफ़िल नहीं कर सकते। कोक, स्प्राइट, फैंटा सब रिफ़िल हो सकती है यहाँ पे। ये मैंने वहाँ भी ट्राई किया था अबू धाबी में जॉली बी का, बट फूड बहुत अच्छा है जॉली बी का। और ज़्यादा नहीं हमारा बिल जो आया, मतलब आप लगाओ ये सिर्फ सारा सामान $10 का है, तो ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है, तभी मैंने ले लिया यहाँ से। अच्छा भी है और रीज़नेबल भी है, अगर आप भी यहाँ आओ तो यही ट्राई करना। और फूड हमने अपना एंजॉय कर लिया था जॉली बी से। अब हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो से बे फ्रंट जो एरिया है वहीं पे मरीना सैंड्स होटल है, मरीना सैंड्स का मॉल है और वहीं पे आपका डाउनटाउन भी है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सामने जॉली बी की सिटिंग है, आप देख सकते हो, ये दूसरी साइड की सिटिंग है। ये MRT की लिफ्ट है और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे अपने मेट्रो की तरफ। मेट्रो तो गाइस इनकी जैसे अपने दिल्ली में होती है मेट्रो, तो सेम टू सेम वैसी है, बट अंदर से थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद सिक्योरिटी रीज़न की वजह से शूट ना कर रहे थे, बट बाहर से ये जैसे हमारे रजौरी गार्डन साइड पे होती है प्रॉपरली वैसी नहीं है, बट ऑलमोस्ट वैसी है। ऐसी मेट्रो सेम टू सेम ये जो सिस्टम है पूरा गेट वेट वाला, ये सारा दुबई में देखा था मैंने लास्ट। यार एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, जैसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली में येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ये लोग बोलते हैं सर्कल लाइन, नॉर्थ साउथ लाइन, ईस्ट वेस्ट लाइन, मतलब कलर सेम होगा जैसे हमारे दिल्ली में होता है।
ये मेट्रो स्टेशन है यार, ये देखो तो सही इनका मेट्रो स्टेशन एक बार, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे से, बहुत ज़्यादा। ये गाइस मेट्रो के अंदर का व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल मेट्रो है, आप देख सकते हो क्रीम और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस ये जो मैप था, ये मैप हमें फ्री मिला था, ये MRT का जो हमने कार्ड लिया था एयरपोर्ट से वहीं से ये मैप हमें मिला था, तो इसके पैसे कुछ नहीं दिए हमने, बट ये मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए, हमें बहुत हेल्प की इस मैप ने। और ये गाइस मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ मतलब कुछ भी। ये गाइस हम पहुंच चुके हैं मरीना सैंड्स मॉल, जो कि बे फ्रंट स्टेशन पे ही है, और सामने आपका कैसीनो है और रूफ टॉप पे जाने का एरिया है, बट हमें वहाँ नहीं जाना है, हम जाएंगे दूसरी तरफ जो कि हमें लेके जाएगा मरीना सैंड्स मॉल की आउटसाइड में, जहाँ का वे आउट है, हम वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ मैं सारा। और ये हम इस तरफ से जाएंगे क्योंकि सामने से मेट्रो आ जाएगी और पीछे से इसका एक्सपो कन्वेंशन आएगा, तो हमें वहाँ नहीं जाना है, हम सीधा जाएंगे। और सामने गाइस क्या व्यू है यार, सामने देखो इन्होंने क्या किया गाइस, बाहर का जो सी वाटर है या जो भी ओशन वाटर है, ओशनिक वाटर, उसको ये अंदर ले आए हैं, अंदर लिंक कर दिया है, और अंदर ये छोटी छोटी बोट्स चला रहे हैं एडवेंचर देने के लिए लोगों को। तो हमने पूछा था, इसका जो चार्ज था वो था $22 पर पर्सन, तो ज़्यादा महंगा नहीं था, बट हमें अभी बाहर जाना था तो हमने नहीं लिया। ये देखो व्यू देखो यार कितना अच्छा है, बोट्स देखो कैसी चल रही हैं। मैं गाइस थोड़ा सा आपको वॉकिंग टूर दूंगा इस मॉल का, इस मॉल के एम्बियंस का, आसपास के ब्रांड्स का, आप मेरे साथ रहो, मैं वॉकिंग टूर देता हूँ, आप बस देखते जाओ। गाइस ये एप्पल का स्टोर है और भीड़ देखो यहाँ पे अंदर, एप्पल के कवर्स, नए फ़ोन, सब कुछ पड़ा हुआ है, कितनी भीड़ है ये बाहर एप्पल का लोगों। अभी यार हम ना बेसमेंट में घूम रहे हैं नीचे, तो हमने किसी से पूछा, उन्होंने बोला कि दो एस्केलेटर ऊपर जाके सेकंड फ्लोर से आप वे आउट मिल जाएगा आपको, तो देखते हैं वहाँ जाके कि हमें वे आउट मिलता है या नहीं मिलता है। ये आसपास थोड़ा सा टी कॉफ़ी शॉप्स है, टी स्टॉल्स हैं, ये हम ऊपर जा रहे हैं वे आउट के लिए, देखते हैं वे आउट मिलता है नहीं मिलता है, इसी से एक एस्केलेटर और ऊपर जाना है हमें। यार आसपास इतनी सारी ब्रेड्स की शॉप्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी ब्रेड्स खाते हैं ये। ये देखो फिर से टोस्ट बॉक्स, ये ब्रेड्स की शॉप्स हैं। अभी हमें गलत चले गए थे आगे की तरफ, किसने गलत गाइड कर दिया था, मैं रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये भाई हमारे मिले, से हाय टू पीपल ये भैया मिले, ये भैया कहते मैं आपको रास्ता छोड़ देता हूँ, तो ये अभी हमें लेके जा रहे हैं साथ में अपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप गाइस, हमें उस तरफ जाना है और हमें भैया ने गाइड किया, जो भाई हमें मिला था अभी, उसने गाइड किया कि आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा ऐसे करके, अगर आपको उधर जाना है तो या तो आपको इस साइड से जाना पड़ेगा उस साइड से घूम के, या फिर आपको इस साइड से जाना पड़ेगा। देखो बहुत ब्यूटीफुल है सिंगापुर यार, सिंगापुर बहुत ब्यूटीफुल है, ये देखो ये इसी के अंदर मेट्रो भी है, इसी के अंदर ये एक मॉल भी है, इसके मॉल के अंदर आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, आप दुनिया के जो ब्रांड्स लेना चाहो मिल जाएंगे, हमने तो कुछ नहीं लिया क्योंकि बहुत महंगा है। और ये गाइस एप्पल पार्क है, जो एप्पल हेडक्वार्टर भी है यार, वाकई क्या तगड़े तगड़े ब्रांड्स हैं यार, मैं तो देख देख के हैरान हो रहा हूँ। शनैल आपको दिख रहा होगा सामने, वोरा गुची अगर आप देख पा रहे हो तो, ये देखो वोरा गुची, और वो देखो गाइस एलवी का अलग से बना रखा है इन्होंने, मरीना बे के अंदर एलवी का अलग से शोरूम बना रखा है, ऑसम यार ऑसम। हमें उस तरफ जाना है सड़क के उस तरफ, वो जहाँ पे ये है हमें उधर जाना है क्रॉस करके।
हाँ डांस प्रैक्टिस चल रही है, ये लोग डांस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, रिंग लाइट वगैरह लगा रखी है। एंजॉय करते हैं भाई बाहर के लोग, हमारे जैसे नहीं, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, हर चीज़ में टेंशन। और ये गाइस लुई विटॉन का अलग से, ये रात को इतना अच्छा लगता है, इतना मेस्मराइजिंग होता है रात को, ये पूरा ये जो एरिया है ये ग्लो करता है लाइटिंग से, बहुत अच्छा लगता है रात में। अभी यार मैंने थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करा और ना थक गए, क्योंकि वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने वॉच पे अपनी चेक किया था, अभी जितना मैं आ चुका हूँ वे आउट से लेकर यहाँ तक, मैं कम से कम 3.5-4 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूँ। अभी मुझे एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर और जाना है। ये गाइस जो आप ब्रिज देख रहे हो राइट साइड में, ये हेलिक्स ब्रिज बोलते हैं इसको, ये बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन की है ब्रिज। ये एक और गेट है मरीना बे सैंड्स मॉल का, और ये रहा वो ब्रिज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये हेलिक्स ब्रिज है गाइस, इसको डिज़ाइन किया गया है ब्रिज को कैसे, ह्यूमन DNA पे। रात को आप इस ब्रिज को देखोगे यू विल बी मेस्मराइज्ड, ये ह्यूमन DNA पे डिज़ाइन किया गया, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आपको DNA का स्ट्रक्चर दिखेगा। शाम का व्यू देखो गाइस, यार हम उस तरफ से आए हैं, उस तरफ से ऑल द वे घूम के वहां जाने के लिए। ये मरीना बे सैंड्स होटल है, ये और वो, ये दोनों अट्रैक्शन है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये और ये होटल, ये दोनों अट्रैक्शन है यहाँ की। सो हम कल रात को या आज रात को इसमें डिनर करने आएंगे। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं व्लॉग शूट करके आपको दिखाऊंगा कि अंदर का सारा एम्बियंस कैसा है और कैसा एक्सपीरियंस है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और गाइस शाम में यहाँ पे ना लाइव शो होता है, लाइव बैंड शो, और लोग यहाँ नीचे बैठ के इस शो को एंजॉय करते हैं और आसपास का व्यू एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है शाम में यहाँ पे। और यार हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई, और ये देखो गाइस, ये देखो कितना ब्यूटीफुल। यहाँ पे फाइन डाइन चल रहा है, फाइन डाइन के साथ साथ लाइव बैंड लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइव सिंगिंग, बहुत अच्छा एम्बियंस है। ये बिल्कुल पीछे है मरलाइन पार्क के बिल्कुल पीछे, यहाँ पे वो शेर है उसके पीछे। और ये लोग कहीं वॉक कर रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ऑफिस से घर आ रहा है। बहुत कूल और काम लोग हैं, बहुत अच्छा वेदर है आसपास और एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। सो आप अगर आओ सो इसी साइड से वापस आना, दूसरी साइड से घर मत जाना। मैं वहाँ तक जाना है, वो जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो, वो ब्लू शर्ट्स देख रहे हो, इन शर्ट्स में ये मॉल है, ये मरीना मॉल है। मरीना मॉल के अंदर से ही मेट्रो मिलेगी हमें, फिर वहाँ से हम अपना होटल जाके रेस्ट करेंगे, देन सुबह ब्रेकफास्ट करके डे टू की तैयारी करेंगे। फिर डे टू पर आपको दिखाएँगे सारा, न्यू व्लॉग, न्यू डे, नया सब कुछ। अभी बाय बाय कर रहे हैं हम इस जगह को। A few moments later. और गाइस ये जो म्यूजियम है, ये रेड डॉट डिज़ाइन म्यूजियम है, ये रेड डॉट अवार्ड पे म्यूजियम बनाया गया है, तो कुछ भी अवार्ड विनिंग जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिस्प्ले में रखी गई हैं लोगों के लिए देखने के लिए। तो आप भी अगर यहाँ आओ तो इस म्यूजियम में ज़रूर आना। फाइनली गाइस मॉल के एंट्रेंस में पहुँच चुके हैं हम, और ये हम अंदर जा रहे हैं मॉल के, फिर आपको अंदर का दिखाते हैं सारा कुछ। ये बटन पे प्रेस किया और ये गेट गए खुल। अभी बहुत लंबा वॉकिंग डिस्टेंस है यार, बहुत दूर तक जाना है। ये जो काउंटर था सामने, हमने इनसे पूछ लिया था कि हमें मेट्रो में जाना है MRT के बे फ्रंट के, तो हम कहाँ से जाएं, तो इन्होंने हमें गाइड कर दिया था ये कि आप यहाँ से सीधा, बिल्कुल सीधा जाओ, आपको वे आउट मिल जाएगा मेट्रो का।
तो हम जा रहे हैं बस वहीं पे, निकल रहे हैं साथ। और यार ये बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो कि मॉल के अंदर ही है। ये सेम टू सेम वैसा फाउंटेन है जैसा चांगी एयरपोर्ट पे ज्वेल फाउंटेन मैंने आपको दिखाया था व्लॉग वन में, सेम टू सेम वैसा है। साथ में देखो इसके बोट चल रही है, ये बोट एक एडवेंचर स्टाइल में चला रहे हैं। आप भी इस अगर यहाँ पे आओ तो इस बोट को एंजॉय कर सकते हो। और ये फेंडी का ब्रांड, फेंडी की क्लोथिंग। और ये मॉल के अंदर ही कॉफ़ी हाउस था, इसके अंदर आपको सारी तरह की कॉफ़ी मिल जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को कॉफ़ी सप्लाई करते हैं। ये देखो कितनी सारी कॉफ़ीज़ हैं अंदर पड़ी हुई, आप जाके शॉप कर सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं था, रीज़नेबल था, चीप था। ये सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं ऊपर, कुबलो, शनैल और भी बहुत सारे हैं। बट मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सारे के सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो टॉप फ्लोर पे क्यों होते हैं, नीचे कोई टॉप नॉच ब्रांड क्यों नहीं होता मॉल में, बताना मुझे कमेंट करके। ये हम नवीना सेंटर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे KFC में भी सेम है गाइस, आप देख सकते हो ये मशीन है, यहाँ से आप अपना जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है आप रीफ़िल करवा सकते हो जितनी मर्जी बार। सेंटर में क्लिक करोगे तो आपके आइस क्यूब्स आएंगे, और आसपास आप जब आप प्रेस करोगे तो कोई भी कोक वगैरह आप यहाँ से फेंटा वगैरह रीफ़िल करवा सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स। यार यहाँ अभी लोकल टाइम के 9:30 रखे हैं और 9:30 बजे इन्होंने क्लोजिंग चालू कर दी है यहाँ पे, पता नहीं जल्दी क्लोज कर देते हैं शायद। अपने वहाँ तो 9, 10, 10 बजे, 11 बजे तो स्टार्ट होता क्लोजिंग होना, यहाँ तो 9 बजे स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। और यार हम बाहर आ चुके हैं सेंटर से, नवीना सेंटर से। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, 1-2 मिनट लगेंगे बस पहुँचने में, फिर वहाँ पर जाके रेस्ट करेंगे हम। सो यार अभी यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश में घूमना तो सही नहीं है, तो होटल जाके फिर हम सुबह में देखते हैं डे टू के लिए हम क्या प्लान करेंगे। वो मेट्रो स्टेशन था लिटिल इंडिया का, सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। केबल कार में जा रहे हैं हम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।